हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे DSSB कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने अप्लाई किया है DSSB के लिए तो ये वीडियो है आपके लिए। वन बाय वन हम लोग चलेंगे सभी सवालों पर, उनके जवाब भी बताएंगे, और ये मौका है आपके लिए कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें। कंप्यूटर साइंस वाले अपनी तैयारी को चेक करने के लिए तैयार हो जाएँ। इससे पहले कि सवालों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट के भी और प्रैक्टिस सेट के भी बहुत सारे वीडियो, एटलीस्ट 100 वीडियो के आसपास होंगे जो आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस किसी और एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं, वो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए ही था, लेकिन सिलेबस सबका कॉमन है। चाहे वो DSSB, चाहे वो दिल्ली में कोई कंप्यूटर टीचर बन रहा हो या बिहार में कोई कंप्यूटर टीचर बन रहा हो, सिलेबस कॉमन है। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के कंप्यूटर साइंस की बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज आर अवेलेबल इन देयर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, और इसका जवाब है बी, नंबर टू, रन टाइम होता है। दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस के अंदर। दूसरे सवाल पर हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द बिलो रिटन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। नीचे जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा एक कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तभी आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तीसरे सवाल पर हम लोग चलेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड्यूलरिटी। सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इसका सही जवाब है, तीसरा सवाल है, और इसका सही जवाब है बी, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इंटू वेरियस स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। चौथे सवाल पर हम लोग चलेंगे। एन इन सवाल आपके स्क्रीन पर अभी आया है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। चार ऑप्शन हैं, देखिए किसको आप रिलेट कर सकते हैं आईसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका DSSB कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी की जितने भी कंप्यूटर साइंस के वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल का भी और प्रैक्टिस सेट का भी, एटलीस्ट 1000+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा अगर सभी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिस सेट को देख लें तो। आईसी वाला सवाल, और इसका सही जवाब है डी, फैब्रिकेटेड ऑन टिनी सिलिकॉन चिप। विच वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सही जवाब है बी, SQL इन RDBMS। विच वन इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन किसे कहा जाता है? रो को, एट्रीब्यूट को, टेबल को, प्राइमरी की को भूल जाइए, रिलेशन कहा जाता है रो को। बी सही जवाब है। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। सवाल आपने देख लिया, वो प्रोग्राम जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया गया है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, और इसका सही जवाब है बी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ प्रिंटर्स। दोनों साइड प्रिंट करने के लिए बात हो रहा है। ये सवाल, और इसका सही जवाब है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे फास्ट एक्सेस टाइम किसका होता है? सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इसका सही जवाब है ए, सेमी कंडक्टर मेमोरीज का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होता है, सबसे फास्ट एक्सेस वहीं पर होता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। व्हाट इज कॉमन लैंग्वेज डेट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक विद वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क पे लैंग्वेज नहीं यहाँ पर होना चाहिए, रूल होना चाहिए। व्हाट इज अ कॉमन रूल डेट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक ऑन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में कंप्यूटर की कनेक्टिविटी किसके बेसिस पर होती है? ए, क्लाइंट, बी, अडेप्टर, सी, प्रोटोकॉल, डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी नेटवर्क में एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल होता है, जिसके बेसिस पर नेटवर्क बनता है। TCP, IP ये सब सारे प्रोटोकॉल ही हैं,
तो सी सही जवाब है। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल अब है आपके स्क्रीन पर। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और ट्रैक्स को फिर डिवाइड जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है बी सेक्टर। व्हाट इज जूमला वर्डप्रेस सिमिलर प्लेटफॉर्म्स कॉल्ड? अच्छा, जूमला और वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को क्या कहते हैं? CNC, CMS, CSM, नॉन ऑफ दीज। सही जवाब इसका है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बड़ा आसान होता है इन पर वेबसाइट बनाना, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट डालिए और उसको मैनेज कीजिए। बी सही जवाब। अगले सवाल पर हम चलेंगे। लेज़र जेट प्रिंटर स्पीड आर मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट। PPM में लेज़र के जेट प्रिंटर की स्पीड को हम लोग नापते हैं। व्हाट डू वी यूज़ टू मेजर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या जो पहले से जो यूज़ होता है, जो पुराना वाला सिस्टम है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग किस पैरामीटर का यूज़ करते हैं? लाइन पर इंच, लाइन पर शीट, दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दो और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है, कैरेक्टर पर इंच, कैरेक्टर पर सेकेंड। इसका सही जवाब है डी, कैरेक्टर्स पर सेकेंड ही वो पैरामीटर है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-bit कोड कॉल EBCDIC? कौन सा कंप्यूटर 8-bit कोड को यूज़ करता है जिसे EBCDIC कहते हैं? सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल का वीडियो जिसमें बहुत आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, नेटवर्किंग के, C++ के, सारा कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। ट्यूटोरियल वीडियोज़ है, उसमें आप जाके देखिए, और प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज, ये तो आपको सवाल मैंने पढ़ दिया, इसका सही जवाब है सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव? ये सही जवाब है। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर है। ए डंप टर्मिनल हैज, डंप टर्मिनल के पास क्या होता है? कौन, तीन ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चौथा ये रहा, चौथा ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ऐसा करके ऑप्शन। और इसका सही जवाब है डी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, डेट इज़ कॉल्ड डंप टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी तक के जो सवाल मैंने अभी कलेक्ट किए थे ये सारे ख़त्म होते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे सवाल इकट्ठा करेंगे। अगर एक यूज़र बेस बना, व्यूअर का बेस बना, तो फिर कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी लेकर के आएंगे। पर अभी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट के और प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको बिहार STET के नाम पे आपको मिलेगा, लेकिन वो भी कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है। वो भी इसी तरह से एक स्टेट के अंदर टीचर के, कंप्यूटर साइंस टीचर के एग्ज़ाम के लिए था, बस वो कोई और स्टेट था, DSSSB कोई और स्टेट है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे कोशिश करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह से वीडियोज़ क्रिएट करने का। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।